हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हमारी सुबह हो रही है फिर से जी। कल हम पहुँच गए थे पहले सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से फिर हमने रूम ले लिया था सोनप्रयाग में। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमको आना पड़ गया फिर से, क्योंकि भाई को हेली लेना था। तो हम आ गए थे वापस सिरसी के आसपास, जहाँ हमने अपना रूम पहले बुक करा रखा था। तो वहीं हमने रात में अपना स्टे करा, और अभी सुबह के बजे 5, और अभी हम रेडी होते हैं। रेडी होने का फिर निकलने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लान तो वैसा था कि 5 बजे तक ट्रैक करना शुरू कर देंगे, लेकिन लेट हो गया है। लगभग 6 बजे तक हम यहाँ से निकलेंगे, और उसके बाद फिर ट्रैक करेंगे। पहले हम गाड़ी अपनी पार्किंग में खड़ी करेंगे, उसके बाद फिर ट्रैक करना चालू करेंगे। तो आज का आइटिनरी ऐसे ही है, पहले तैयार होते हैं जल्दी से, और उसके बाद फिर चलेंगे ऊपर केदारनाथ ट्रैक के लिए। तो आज का दिन तो भाई बहुत खतरनाक होने वाला है, पूरे ट्रैकिंग होगा। ब्लॉग भी बने रहना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने हो तो लाइक करके जाना, नए वाले भी लाइक करके जाना। तो जल्दी से नहा धो के रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आपको रेडी होने के बाद। तो भैया रेडी हम हो गए, नहाना धोना हमारा हो गया। बस अभी मुझे अपना ड्रोन पैक करना है, चार्ज के लिए लगाया था, ताकि तू स्मार्ट तो पहले था ही नहीं, और बैग वगैरह मैंने सब पैक कर दिया। ये जैकेट मैं अपना बैग में रख लूंगा, तो बाकी हैवी लोड कुछ लेकर ही जाऊंगे। बस एक जोड़ी कपड़े मैंने अपने बैग के अंदर रख दिया, जो मैं कल पहनूंगा, रात में पहनूंगा। बस वही अपने पास रखा ताकि हैवी ना हो, क्योंकि मेरा ड्रोन भी है और बैग भी है। यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं नीचे, और उसके बाद गाड़ी से अपनी जैकेट डालते हैं, फिर गाड़ी को खड़ी करते हैं सोनप्रयाग। गाड़ी पकड़ेंगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए, और गौरीकुंड से फिर गौरी माई मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर हम जाएंगे ट्रैक करके केदारनाथ यात्रा के लिए। तो चैनल पे बने रहिए, हम निकलते हैं यहाँ से सीधे केदारनाथ यात्रा के लिए। तो जैसे हम ना बाहर निकले अभी, तो अपने रास्ते में जा रहे थे, देखो सामने कितनी बर्फ दिख रही है। तो ये बाहर बाहर की बर्फ है, तो ये अभी नीचे की बर्फ है, ऊपर से तो कितनी बर्फ होगी, मतलब ऊपर हमको अच्छी खासी बर्फ मिलने वाली है, बहुत ठंडा होने वाला है ऊपर। और तो हमारे भाई को ठंडा ना लगे, बेचारा अभी ठंड से ठीक रहा है, हमें तो नहीं लगी उतनी ठंड, इसलिए हमने जैकेट वगैरह तो पहन लिया। बाकी ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा कि कितना ठंडा है, कितना बर्फ है। वैसे अभी कल परसों जो हमारे दोस्तों गए थे ना, वो कह रहे थे कि लिंचोली तक बर्फ गिरी हुई है, तो शायद आज अगर कल बर्फ गिरी होगी ऊपर, तो और ज्यादा बर्फ हो गया होगा। गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है, और हम अब चले यहाँ से केदारनाथ के लिए जी। तो भैया पहले अभी यहाँ एंट्री करानी पड़ेगी, और एंट्री कराने के बाद फिर आगे जाना पड़ेगा। तो ये एंट्री पॉइंट है जहाँ मैं अभी एंट्री कराना है। तो यहाँ भी हमको रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है। व्हाट्सएप पे हमने चैट करना है और सब कुछ डिटेल भर के, उसके बाद यात्रा का डिटेल अपना, कितने लोग जा रहे हो, कितने लोग कौन सी गाड़ी से आ रहे हो, वो सारी डिटेल भरने के बाद, आधार कार्ड डालने के बाद, यहाँ से फिर आपको एंट्री मिलेगी आगे केदारनाथ यात्रा करने की। तो रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, एक्चुअली क्या है ना, रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। लास्ट टाइम जब हम आए थे, जब चारधाम यात्रा हम कर रहे थे, तो उस टाइम हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, लेकिन अभी लास्ट में भी ये रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, ताकि कुछ भी अगर दिक्कत हो रास्ते में, अगर कोई भी पिलगम वापस नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह में एमरजेंसी कॉल वगैरह करने के लिए, और उनकी डिटेल पता करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं सोनप्रयाग से टैक्सी के लिए, टैक्सी पकड़ेंगे, उसके बाद फिर वहाँ से जाएंगे गौरीकुंड। तो हम यहाँ से चल दिए केदारनाथ की यात्रा के लिए सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए। जब ओपनिंग सेरेमनी थी ना, तो हम जब यात्रा कर रहे थे, तो हमको यहाँ गाड़ी ना जगह नहीं मिलती थी, गाड़ी इतनी लगातार भर रही थी। और इस समय हाल ऐसा है, लास्ट दिन में यहाँ गाड़ी भरने का नाम नहीं दे रही, मतलब अभी तक हमको 10 मिनट हो गए और गाड़ी के अंदर मुश्किल से 4 पैसेंजर ही आ रहे हैं, यानी लास्ट टाइम में मतलब पैसेंजर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लिमिटेड कस्टमर होते हैं। यहाँ से हमारा सफर शुरू होता है पैदल वाला, टैक्सी ने हमें यहाँ उतार दिया था गौरीकुंड पे, और यहाँ से अब हम चल रहे हैं अपने ट्रैक करके केदारनाथ यात्रा के लिए। तो अभी हम गौरीकुंड पे ट्रैक कर रहे हैं, और जो गौरीकुंड से पहले रास्ता आता है ना, एक रास्ता पड़ता है पुल से, एक रास्ता जाता है, तो डोली जो होती है वो डोली इसी रास्ते से ऊपर से गाँव से होते हुए फिर केदारनाथ ऊखी मठ के लिए जाती है। तो ये पूरा रास्ता गाँव वाला जो पहले पुराना रास्ता था, वो वाला रास्ता है ऊपर ऊपर होते हुए, तो यहीं से डोली ऊपर नीचे उतरती है ऊखी मठ के लिए। हेलो भैया, कैसे चल के जाओगे?
अरे यार चल के चलो यार, मैं साथ चलो, चल के जाएंगे। ठीक है, आज लास्ट का टाइम है और यहाँ की मार्केट सारी बंद होने लग गई है। लगभग लगभग 50% तो मार्केट है ना यहाँ की क्लोज हो गई है, सब कुछ बंद हो गया। कुछ कुछ दुकानें खुली हुई है, भीड़ तो है ही नहीं। देखो भीड़ नहीं, देखो दुकानें सारी बंद हो गई हैं, भीड़ तो ख़त्म है एकदम। सर मैंने आपको बहुत बजट में यहाँ रूम मिल जाते हैं, तो लास्ट में आपको और ऑफ सीजन में रूम बिल्कुल सस्ते 5-5, 6-6 रूम के चार्ज पड़ते हैं। तो गौरीकुंड में पहुँचने के बाद कॉफ़ी ले ली है और अभी गौरीकुंड में यहाँ गौरी मैया के दर्शन करके ही आगे बढ़ेंगे। तो पहले नीचे दर्शन करते हैं मैया के और भोलेनाथ जी के, उसके बाद फिर आगे यहाँ से ट्रैक करेंगे हम अपना केदारनाथ का। काली देवी भी हमने पहले माँ का आशीर्वाद लिया था और यहाँ से ही माँ का आशीर्वाद लेके फिर आगे बढ़ेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ गौरी। जिस दिन कपाट खुले थे उस दिन इतनी भीड़ थी और आज देखो कितना शांत माहौल है, यहाँ पे लोग ही नहीं है, हम ही लोग हैं 3-4 लोग, और ऐसे ही हमको रास्ते में भी यही माहौल मिलेगा। तो इतनी शांति मिलती है ना भगवान के मंदिर में, शांति हो लोग कम हो तभी दर्शन करने का कुछ अलग ही अनुभव होता है। तो फिलहाल अभी कॉफ़ी पीते हैं गौरी मैया के मंदिर के सामने, उसके बाद दर्शन करते हैं यहाँ मंदिर पे। और कल डोली यहीं पे आएगी और यहाँ से फिर कल जाएगी फाटा, फाटा से फिर आपके गुप्त काशी से फिर जाएगी उखी मठ के लिए। तो ये है आइटनरी आपके केदारनाथ यात्रा के कल जो कपाट बंद होने का रहेगा। पता है यहाँ केदारनाथ की आपदा आई थी, क्या हुआ था, ये जो पूरा एरिया ना, ये पूरा एरिया में हो गया था, क्या बोलते हैं, पानी पूरा फ्लड यहाँ पूरा पानी हो गया था, मंदिर तक पूरा पानी भर गया था। यहाँ जो बिल्डिंग पीछे दिख रही है ये सारी की सारी पूरी की पूरी बह गई थी। आज भी बोलते हैं इनके नीचे लाशें हैं करके, ऐसा कहते हैं। तो सोचो यहाँ मंदिर को कुछ नहीं हुआ, ये भोलेनाथ जी का मंदिर है इसको कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे माता का मंदिर है माता के मंदिर को कुछ नहीं हुआ, यहाँ मलबा भर गया था लेकिन मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई। तो इतनी शक्ति है यहाँ गौरी मैया के मंदिर में। पास ही जंगली लट्टी, और लास्ट टाइम जब मैं कपाट खुलते समय आया था ना तो यहीं रुका था, पहला स्टॉप मेरा ये था, लेकिन अभी मैंने स्टॉप नहीं लिया है, अभी थोड़ा और आगे चलते हैं, कम से कम 1 किलोमीटर और ऊपर चलते हैं, उसके बाद फिर हम स्टॉप लेंगे अभी, और 1 किलोमीटर का और ट्रैक करके फिर मेरा काम मेरा। ओह अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं आधे रास्ते में। हाँ अभी हम आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं, 4 किलोमीटर चल चुके होंगे, लगभग 5-6 किलोमीटर चल गए हम, और अभी भिम्बली पहुँचने वाले हैं। ये हमारा पहला स्टॉप है इस ट्रिप का, ट्रैक का पहला स्टॉप है, और सामने धूप है, अब इसे इधर बैठते हैं जब तक हमारे दोस्तों के आते पीछे, उसके बाद फिर यहाँ से भीमबली तक चलेंगे, भीमबली के बाद फिर अस्थि जो पड़ा हुआ है ना यहाँ का, भीमबली के बाद चलता है, तो भीमबली से पूरा रास्ता जो है ऊपर को ट्रैक करना है, पूरा का पूरा ट्रैक ऊपर को ही जाएगा। तो हालत बुरी होने वाली भाई, बहुत बुरी, और ऊपर से बर्फ़ मिल गई, समझ लो तो रेट पड़ गई। फिलहाल अभी रुकते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं। तो भीमबली पहुँच गए और अभी यहाँ पे अपना रेस्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करते हैं, पराठा खाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद पूरी चढ़ाई है, पूरी चढ़ाई, बस 2-3 जगह पे आपको 100-200 मीटर पे हल्की हल्की क्या कहते हैं डाउन हिल मिलेगा, लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा अब जो रास्ता है वो पूरा अपहिल वाला रास्ता है। तो कहते रुकते हैं और नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। थकाई नहीं हो रही फिलहाल, थकाई बिल्कुल नहीं है, ये मतलब मान लीजिए कि पहला स्टॉप लंबा वाला स्टॉप अभी मारेंगे हम, उसके बाद फिर चढ़ाई करेंगे। मौसम भी साथ है, आज बिल्कुल भी ठंडा कम लग रहा है, धूप अच्छी आ रही है और लोग नहीं है, भीड़ कम है और सब जगह देखो खाली हो गई है, लगभग लगभग सब लोग चले गए यहाँ से, कुछ कुछ है दुकानें जो खुली हुई है, तो यहाँ पर भी नाश्ता वगैरह करते हैं या फिर आगे बढ़ेंगे। रामबाड़ा तक तो पहुँच गए हैं, अब रामबाड़ा से जो मेन है चढ़ाई उसमें हालत ख़राब होने वाली है, लेकिन ये नज़ारा देखो यार क्या अल्टीमेट है, यह है रामबाड़ा का मंदाकिनी नदी का पानी का बहाव, तेज साउंड लगती है इसकी बहुत, और बहुत प्यारी लगती है, तो खतरनाक और प्यारी दोनों है। सोलो लगा दो रामबाड़ा से, लगभग 1 किलोमीटर हम नीचे ऊपर आ गए हैं और यहाँ जाके हमको शॉर्टकट मिले, तो ये लंबा सा शॉर्टकट है कम से कम 200-300 मीटर का, और वैसे इसकी
देखते हो लेंथ तो बहुत ज़्यादा है, तो यहीं से जिग-जैग करके आगे निकलते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। रामबाड़ा के थोड़ा सा टफ हो जाता है चलना, क्योंकि हाइट है तो चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत धीरे धीरे आना पड़ता है भाई। एक चीज़ के लिए मैं बहुत वो करूँगा, धाम आ रहे हो भाई, देखो यार दारू की बोतल, शर्म करो यार लोगों, शर्म मतलब भगवान के वहाँ आ रहे हो बोतल दारू लेके, थोड़ा सा तो शर्म करो यार, भगवान की इज्जत नहीं रही धामों के अंदर। ये शॉर्टेज लेते रहते तो हालत खराब होगी, दो तीन शॉर्टेज ऐसे दिए ना कि चढ़ने में दिक्कत होगी। ये शॉर्टेज ना लो इतना अच्छा है, ऐसे नॉर्मल जो रास्ते बदले ऐसे चलना और आप तो रास्ते में ईजी हो जाता। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये एरिया में पूरा ग्लेशियर था और इस बार पूरा मलबा आ रखा है, लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ बर्फ़ गिर जाएगी और सब कुछ बर्फीला हो जाएगा। राजू कैसे पड़े हो यहाँ केदारनाथ यात्रा में? ये हमारा पहला लंबा स्टॉप है, तो सोचा थोड़ी देर धूप आ रही थी धूप लेते। चार घंटे में हमने बड़ी लिंचोली कवर कर ली है, मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हम ये कवर करेंगे, लेकिन हाँ उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी तुमसे। दो शॉर्टकट लिया बस, तो बाकी सारा लंबा रास्ता। चलो फिर अब आधा घंटा आराम कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। हर महादेव। तो भैया 600 ट्रैक कर निकल, हम पहुँच गए आपके घोड़ा पड़ाव, और घोड़ा पड़ाव को कहते हैं तो भैया 600 ट्रैक के नैद में पहुँच गया हूँ आपका घोड़ा पड़ाव। तो 6 घंटे लगे घोड़ा पड़ाव जाने में, और भाई जब कपाट बंद होते हैं उस समय यहाँ का माहौल ऐसा होता है कि ये घोड़े बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि बाकी सारे घोड़े नीचे बेचे जाते हैं, यहाँ लिमिटेड ही घोड़े चलते हैं। तो ये लिमिटेड घोड़े यहाँ पे, ये भी शायद कल तक है और कल के बाद ये घोड़े भी यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो बिल्कुल सुनसानी हो गई यहाँ, मतलब जब हम कपाट खुलने में आए थे तो इतनी भीड़ थी कि पाँव उठने की जगह नहीं होती, लेकिन अब बिल्कुल शांत। बस यहाँ से अभी 1 किलोमीटर मंदिर बचा हुआ है, 1 या 2 किलोमीटर मंदिर बचा हुआ है, तो देखते हैं पहुँचते हैं कैसा माहौल हो रहा है वहाँ का। तो भैया फाइनली रूम ले लिया है और रूम पड़ा है हमको 1100 पर पर्सन बैठा है, 1160 रुपये भाई। लास्ट में भी मतलब छोड़ा नहीं इन्होंने, जब हम पहले दिन आए थे उस दिन 2000 रुपये पर पर्सन दिया था और आज दिया है 1160 रुपये पर पर्सन, बहुत लूट है। अब जो भी है ले लिया रूम, फिलहाल अभी यहाँ सामान रखते हैं, फिर तो उसके बाद मंदिर जाते हैं दर्शन करते हैं। जो भी पूजा तो होगी नहीं कह रहे हैं, पूजा नहीं होगी शायद, भस्म आरती या कुछ भी होगी, वहाँ मंदिर जाते हैं पता करते हैं, उसके बाद फिर इस ब्लॉक का यहीं एंड कर देंगे। तो मिलते सीधे आपको मंदिर पे। तो भैया रूम दिलाने वाले ये भैया हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत कर दी थी, बच्ची नगर हमारे हल्द्वानी के लोकल के भाई हैं, तो इन्होंने हमको रूम दिला दिया था, तो अब इनके साथ अभी जाएंगे हम सीधे मंदिर के लिए। मंदिर में पहुँच गए, प्रसाद ले लिए, अभी दर्शन करते हैं और दर्शन के बाद फिर आपको मिलते हैं। 100 गीले हो गए पाँव में भैया, इतनी ठंड लग रही है ना, क्या बताएं, ठंडा भैया लाइन लग गई है, दर्शन करते हैं मिलते हैं। हर 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 मंदिर, और अभी मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कृपा से अंदर जाने के मौका मिले। लास्ट टाइम में पूरा यहाँ पे रेलिंग वगैरह था वो तो पूरा हट गया है, 6 महीने जो पहले रेलिंग थी वो सारी हट गई है, ओपन स्पेस है सारा। मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि इतना ओपन स्पेस पड़ा है यहाँ पे। इस साल के आखिरी दर्शन होने वाले हैं हमारे केदारनाथ यात्रा के, तो लास्ट टाइम कपाट खुलने में आए थे और इस बार कपाट बंद होने, तो भाई भगवान ने बुलाया तो हम पुनः पहुँचे।
हनुमान महादेव का नाम लेके अंदर जाते हैं और दर्शन करके सीधे आपको बाहर मिलते हैं। नारा वीर बजरंगी, हनुमान महादेव, नारा वीर बजरंगी, नारा वीर बजरंगी, हनुमान महादेव। तो ये दर्शन तो हो गए हैं और कम से कम आधे घंटे से ज्यादा मैं मंदिर में था और आरती भी अटेंड करी, बढ़िया करके आरती हो गई और पहली बार आरती का करने का मौका मिला और आरती के साथ आरती लेने का मौका मिला, वो भी मंदिर के अंदर से। गर्भगृह में दर्शन करने के लिए दिया नहीं था तो वहाँ दर्शन नहीं हुए। फिलहाल अभी मेरे को दोस्त है जो मेरे साथ स्कूल पढ़ती थी तो वो भी आ रखी है वो आसाम में। तो अभी मैं बैठा हूँ, दोस्त है एक्चुअली हम ना पहले आ रही मुझे। तो ये जो लड़की है ना, ये लड़की ने मेरे साथ पढ़ा था, नाम है रानी और ये रहती श्रीनगर। हमने शायद 2006-07 से साथ में थे, फाइव सिक्स सेवन हम साथ में थे और सामने साथ में पढ़ाई करी। और उसके बाद ये मुझे मिली थी, लास्ट मिली थी जब मैं 2020 में आया था ओली, उसके बाद से मुलाकात नहीं होती उससे। बहुत बार इसको बोला मैंने आएगी मिलने तो मिल, और मैं श्रीनगर के साथ अदा था तो मिल नहीं पाता था। तो फाइनली कितने साल, 2 साल बाद 3 साल बाद मिल गया मुझसे। और अभी हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, बातें करेंगे उनके साथ, उनके छोटे भाई बड़े भाई छोटे हाइट में बड़ा वैसे छोटा है, छोटा है तो ये उनके भाई है, कज़न थे। तो अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, ध्यान लगा के ध्यान क्या लगाएंगे, बातें करेंगे। उसके बाद फिर खाने पीने का इन्होंने कर लिया, मैं कुछ देखता हूँ खाने पीने का। फिलहाल बैठते हैं बातें करते हैं, फिर ब्लॉग को घर पे जाके मतलब रूम पे जाके एंड करते हैं। तो भैया रात के बज गए एक पंद्रह हो गया और ऐसा सीन था, रात के 12 बजे से 3 बजे तक आरती मतलब दर्शन होने थे गर्भगृह के। तो गर्भगृह में जाने का मौका मिल गया और दर्शन भी कर लिए, अंदर जाके जल चढ़ा दिया है तो बहुत अच्छे से ये दर्शन हो गए हैं। मतलब 2018 में मैंने दर्शन किए थे गर्भगृह से और आज 2023 में 5 साल बाद मुझे मौका मिला कि मैं दोबारा से केदारनाथ मंदिर में जाके गर्भगृह में जाके दर्शन कर पाया। तो सब भगवान की कृपा थी, भले ने बुलाया, बुलाए के बुलावे से हम पहुँच गए केदारनाथ और दर्शन भी हो गए थे। फिलहाल अभी प्लान ऐसा है, अभी रूम पर जाते हैं सोते हैं और कल सुबह दोबारा से उठ के 5 या 6 बजे उठ के फिर दोबारा आएंगे और उसके बाद जाएंगे, पहले यहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद जाऊँगा भैरव मंदिर। भैरव मंदिर में जाके वहाँ के दर्शन करेंगे, कि वैसे तो कपाट वहाँ के ही बंद हो गए, फिर भी दर्शन करके आऊँगा और वहाँ से लेंगे हम ड्रोन शॉट। तो बहुत प्यारा ड्रोन शॉट कल मॉर्निंग में आने वाला है, जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग है ना उसको जरूर देख लेना। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, हर हर भोले, हर हर महादेव।